हेलो ग्रेड ट्वेल्थ. सो वी वर डूइंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगेन आई एम गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स. एज यू नो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या है? साइन एक्स. तो अब मैं फिर दोबारा से इसको ड्रॉ कर रही हूँ, स्टिल अगेन फॉर द रिविजन ओनली. ठीक है, तो अब देखो साइन एक्स की डोमेन क्या है बेटा. डोमेन मतलब कुछ भी आप पुट कर दो, रेंज मतलब जो आपको आंसर्स मिलेंगे. आंसर्स हमेशा साइन थीटा के आपको माइनस वन से लेके वन तक ही मिलते हैं. तो यहाँ पर अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ड्रॉ करती हूँ तो आपको जो डोमेन है, डोमेन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक्स एक्सिस को. रेंज किसको रिप्रेजेंट करती है? वाई एक्सिस को. तो देखो मैंने यहाँ पर डोमेन में लिया है पाई बाय टू, टू पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फोर पाई बाय टू, फाइव पाई बाय टू एंड सो ऑन. सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी जीरो, माइनस पाई बाय टू, माइनस टू पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस फोर पाई बाय टू एंड सो ऑन. तो अब देखो आपका फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स. तो अगर आप x को वन पुट करोगे तो y इक्वल्स टू साइन वन. साइन वन क्या होता है बेटा? साइन वन, सॉरी यहाँ पर इनपुट हमने देना है पाई बाय टू. इनपुट इज़ पाई बाय टू नॉट वन. ठीक है, साइन पाई बाय टू इज़ वन, साइन नाइन्टी इज़ वन. तो अगर आप एक्स को पाई बाय टू पुट करते हो तो आपको वाई कितना मिलता है? वन. तो यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं. दिस इज़ फॉर एक्स, दिस इज़ फॉर वाई. जब आपका एक्स वन है, वाई कितना है? सॉरी, जब एक्स आपका पाई बाय टू है, वाई इज़ वन. राइट, अब आप क्या करोगे? एक्स को टू पाई बाय टू पुट करोगे. टू पाई बाय टू का मतलब क्या हो गया? पाई. टू टू कैंसिल, वो मैंने एक सीक्वेंस में लिखना है ना, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया. अगर मैं सिंपल लिखूंगी ना पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपने एक सिमेट्री में चल रहे हो तो उस सिमेट्री को आपने तोड़ना नहीं है. ठीक है, टू पाई बाय टू इज पाई, साइन पाई इज ज़ीरो. नेक्स्ट देखो थ्री पाई बाय टू, तो कल हमने ये निकाला था ना, थ्री पाई बाय टू पे आपको क्या मिलेगा? माइनस वन. ये आप सॉल्व कर लेना. राइट, तो इस तरह से जब आप साइन का एक ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको एक वेव मिलती है. ये था आपका साइन एक्स का ग्राफ. अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन इनवर्स एक्स, डैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो इसमें क्या होगा? डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगी. राइट, तो अब डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देते हैं. मतलब कि जो आपका वाई एक्सिस है उसको हम क्या बना देंगे? एक्स एक्सिस. जो एक्स एक्सिस है उसको हम क्या बना देंगे? वाई एक्सिस. तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है. तो ये आपका फंक्शन है. देखो मैंने डोमेन और रेंज को दोनों को चेंज कर दिया. अब आपकी डोमेन क्या है? माइनस वन टू वन. रेंज क्या है? रियल्स. लेकिन मैंने सारे रियल्स नहीं लेने. मैंने आपको कल बोला था कि हमने यहाँ पर ब्रांच वैल्यू लेनी है. क्या लेना है? ब्रांच वैल्यू. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी आपकी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. फर्स्ट ब्रांच वैल्यू होगी आपकी माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू. अब आ जाओ प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है. प्रिंसिपल ब्रांच, सिर्फ मीनिंग क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज हमने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करनी. बेटा आपने ऐसा स्पाइरल देखा होगा, वो अगर मैं जर्नल एग्जांपल लूँ तो कहीं छोटी छोटी शॉप्स पे ये ऐसे आयरन की जो स्टेयर्स होती हैं, ऐसे शुरू होती हैं ना, ऐसे ऊपर जाती हैं गोल गोल घूमती हुई. ठीक है, तो आपने ओरिजिन लेना है. मतलब आप एक नेगेटिव एक्सिस से माइनस पाई बाय टू से अगर पाई बाय टू में जाते हो तो ये आपका फर्स्ट ब्रांच होगा, और इस फर्स्ट ब्रांच को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच. ठीक है, तो सिमिलरली अगर पाई बाय टू से फिर जाओगे आगे, कहाँ जाओगे? 90 से लेकर 180 तक, वो आपका है सेकेंड ब्रांच. ठीक है, 180 से 270, इस तरह से ना एक ब्रांचेस बनाई हुई हैं ऐसे स्पाइरल में. तो थ्री डी ज्योमेट्री में बेसिकली इसका मेन यूज़ है. तो कभी भी आपने प्रिंसिपल ब्रांच लेना है तो आपका नेगेटिव एक्सिस से शुरू होते हुए आपने पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जाना है. जितना आप लेफ्ट में ले रहे हो उतना ही आपने राइट में लेना है. अगर जैसे मैं ये ले लूँ तो ये भी एक ब्रांच है. राइट, तो हमने यहाँ पे ब्रांच लेनी है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू. हमने यहीं तक स्टडी करनी है, ग्राफ यहीं तक बनाना है. ठीक है, आप आगे भी बना सकते हो, नो इशू, बना के देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका जो ग्राफ है मैं आपको बता देती हूँ कैसा बनेगा. राइट, तो अब देखो जब आप, अब डोमेन और रेंज को आपने चेंज कर दिया, अब आपकी जो डोमेन है वो क्या है? माइनस वन से लेके वन तक. अब देखो जब माइनस वन से लेके वन तक आप लोगे तो माइनस वन के बाद पहले क्या आएगा? माइनस वन बाई टू, फिर क्या आएगा? ज़ीरो. सिमिलरली यहाँ पे वन बाई टू और यहाँ पर वन. अब देखो जब मैं साइन एक्स, जब मैं एक्स को ज़ीरो पुट करूँगी, साइन इनवर्स ज़ीरो, तो ज़ीरो ही आना है. साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है. अगर मैं एक्स को वन बाई टू पुट करती हूँ, एक्स को वन बाई टू, तो साइन इनवर्स वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन का ग्राफ कर रहे हो ना तो आपने साइन की वैल्यू लिखनी है. साइन की वैल्यू
वन बाई टू किसकी होती है, साइन 30 डिग्री। साइन इन्वर्स और साइन ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बन गए, क्योंकि इन्वर्स को उसी के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या मिलेगा, वन। जैसे टू को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या मिलता है, वन। सिमिलरली साइन इन्वर्स को साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, वन। तो आपका जो वाई है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। वाई इज 30 डिग्री। इट मीन्स जब आप x को 1 बाई टू लेते हो y इज 30 डिग्री, जब आप x को 1 लेते हो y इज 90 डिग्री, जब आप x को माइनस 1 बाई टू लेते हो। अब देखो माइनस 1 बाई टू में क्या होगा, यहाँ पर एक रिजल्ट आपने लर्न करना है। रिजल्ट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस x होता है माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये कुछ सबके लिए सेम नहीं है, जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखोगे, ये गलत है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट इसके लिए, इस ग्राफ के लिए सिर्फ ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा अगर आपने वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन सॉरी माइनस बाहर आ गया, क्या बचा, साइन इनवर्स 1 बाई टू माइनस बाहर 1 बाई टू को क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30, साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल, तो आंसर इज माइनस 30 डिग्री। इट मीन्स जब आप वैल्यू लेते हो माइनस 1 बाई टू तो आपको क्या मिलता है, माइनस 30 डिग्री। सिमिलरली जब आप वैल्यू लोगे माइनस 1, देखो माइनस 1 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जब x को माइनस 1 लोगे तो y कितना आएगा, माइनस 90 डिग्री। माइनस बाहर निकाल दोगे तो देखो आपकी कर्व ये बन रही है, ऐसी कर्व। इसको कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, बनेगी नहीं खैर स्ट्रेट लाइन, ये बन गई। अब बेटा दोनों कर्व्स को कंपैरिजन करके देखो, दोनों कर्व्स का कंपैरिजन करके देखो, ये देखो ये जो कर्व है वो ऐसे बन रही है, अगर मैं माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक जाऊँ, ठीक है, पाई बाय टू से लेके, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर एक कर्व आपकी ऐसे बन रही है, ठीक है, दूसरी कर्व आपकी ऐसे बन रही है, ठीक है। दोबारा से देखो, ये वाली कर्व आपकी इस तरह से बन रही है, मैं दोबारा, ये देखो ये कर्व आपकी, कंपैरिजन करो बेटा इन दोनों का, इस तरह से बन रही है ना, ठीक है। अब ये जो कर्व है, जो साइन इनवर्स एक्स की कर्व है, वो देखो कैसे बन रही है, साइन इनवर्स एक्स की, वो अगर ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये कर्व ऐसी है, ठीक है, ये ऐसे, ये किसकी कर्व है, साइन एक्स की। और जब आप इन्वर्स की कर्व बनाते हो, ये वाली जो कर्व है इसकी इमेज फिगर क्या होगी, इसकी अगर इस कर्व की मैंने इमेज बनानी है तो कैसी बनेगी, इस कर्व की इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी ना, इस कर्व की इमेज, ये इमेज है, इस कर्व की इमेज ऐसी बनेगी। अगर आप ये वाली कर्व लेते हो, इस कर्व की इमेज कैसी बनेगी, इस कर्व की इमेज ऐसी बनेगी। तो इट मीन्स जो ग्राफ है हमें एक इमेज पिक्चर दे रहा है इनवर्स वाला, किसकी पिक्चर दे रहा है, वो साइन एक्स की। मतलब कि जो आपकी कर्व ऐसे थी, अगर आप उसको मिरर में देखोगे तो वो आपकी कर्व ऐसे बन जाएगी। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसीलिए बोलते हैं ना कि एक्स को पुट करते हो हमें इमेज मिलती है, और इनवर्स में क्या होता है, वो एक्स जो पुट कर रहे हो वो प्री इमेज बन जाती है, इमेज इमेज। अब क्लियर हो गया ना हम इमेज क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इस कर्व की इमेज, अगर मैं यहाँ पे एक मिरर खड़ा कर दूँ स्ट्रेट लाइन, मिरर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी ना। जैसे यहाँ पे हमने एक मिरर खड़ा कर दिया, अब ये मिरर तो नहीं है, हम ग्राफ पे मिरर तो ले नहीं सकते, हम ग्राफ पे क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एज ए किसका काम करेगी, मिरर का काम करेगी स्ट्रेट लाइन एज ए। तो ये इस कर्व की इमेज ये वाली बन गई, और इस कर्व की इमेज ये वाली बन गई। तो यही हमारा ग्राफ है, यही हमारी कर्व है, ध्यान से देख लो, यही हमारी कर्व बनती है। तो इट मीन्स जो साइन एक्स की जो कर्व बनती है, उसकी इन्वर्स की कर्व उसकी क्या होती है, मिरर इमेज होती है। साइन इन्वर्स की कर्व साइन एक्स की मिरर इमेज होती है। सिमिलरली अब हम कॉस एक्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर डोमेन याद रखना है, डोमेन आपकी क्या है, माइनस वन टू वन, रेंज आपकी क्या है, आर। अगर ब्रांच की बात कर रहा है तो रेंज आपकी क्या होगी, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू। ये बेटा आपको मैं सारा टेबल लिख के दूंगी अच्छे से, तो अभी सिर्फ आप फोकस करो ग्राफ पे कि ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। अब देखो अगर मैंने इसका ग्राफ थोड़ा जूम करना है, मतलब इसको बड़ा बनाना है, तो वो कैसा बनेगा बताओ, ये था ना, ऐसे आ रहा था ना,
ऐसे आ रहा था ना ये, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर आप और आगे जाते हो और वैल्यूज़ लेते हो तो फिर देख लो इमेज बन रही है ना, ये देखो ये ऐसे था ये उल्टा बन गया, ठीक है। तो हमेशा आपको इमेज ही मिलती है, तो अगर आप कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कॉस इनवर्स उसकी इमेज मिलेगी, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस एक्स को कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक माई वीडियो कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।